ओम नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताऊंगा, आप जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे। और यह खजाना छुपा है शिव स्वरोदय ग्रंथ के श्लोक नंबर 381 में। आज मैं इस श्लोक की व्याख्या आपके लिए करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है। मुख्य रूप से इसका लाभ है आपको युवा रखना, और सिर्फ युवा ही नहीं रखना, जो वृद्ध है वह भी युवा हो जाए, जो इस श्लोक में निहित अभ्यास को करेगा। ऐसा इस श्लोक के रचयिता ऋषि योगी हमारे को संदेश दे रहे हैं। तो पहले मैं एक बार संस्कृत का श्लोक पढ़ता हूं, उसके बाद आपको विस्तार से इसका अर्थ बताऊंगा। स्वीयांगे वहते नाड़ी तन्नाड़ी रोदनम कुरु, मुखबन्धम मुच्चन वै पवनम जायते युवा। इसका अर्थ है, जो आपका स्वर चलता है, जो आपका स्वर जागृत है, उससे श्वास को खींचे। जैसे मेरा अभी सूर्य स्वर जागृत है, थोड़ा सा चंद्र स्वर भी है। तो ये अभ्यास कैसे करना है आपने? सूर्य स्वर से आप श्वास को खींच लीजिए, रोक लीजिए। और आगे दूसरी पंक्ति में कहा है कि मुख को बंद करके, और जिस नाड़ी को आपने जागृत किया हुआ है या जो नाड़ी जागृत है, अर्थात जिस नाड़ी से आपने श्वास को खींचा है, उसे भी बंद करके, मुख को बंद करके और जिस नाड़ी से श्वास को खींचा उसको बंद करके, अन्यथा जो नाड़ी है, यानी कि जो स्वर बंद है या कम खुला है, उससे आपने श्वास को बाहर निकालना है। एक बार दोबारा बताता हूं, जो स्वर आपका जागृत है उससे श्वास को खींचना है। अगर अभ्यास नहीं तो अंगूठे से, अंगुली से दूसरे श्वास स्वर को बंद कर लें, मुख को बंद रहने दें, और जिस स्वर से श्वास को खींचा है अब उसे बंद कर लें। अब धीरे धीरे कोशिश करें श्वास को उस स्वर से बाहर निकालने की जो स्वर बंद है। थोड़ा कठिन लगेगा समझने में, जो स्वर बंद है उससे श्वास को बाहर निकालना है। अब ये होगा कैसे? आमतौर पे आपने महसूस किया होगा, जब हम शंख बजाते हैं या गुब्बारा फूलते हैं तो किस तरह से एक लंग्स में प्रेशर बनता है। अब उन्होंने कहा है कि जो वृद्ध भी है, एक तो जवान जवान रहेगा, दूसरा जो वृद्ध है वो भी जवान हो जाएगा। ऐसा रहस्य छुपा है इस अभ्यास में। तो ऐसा क्यों कहा? दो तीन बातें हैं उसके बारे में समझ लेने योग्य। एक तो इस श्लोक को पढ़ने से ऐसा समझ आता है कि यह योगियों की पुस्तक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी कभी योग को सुना नहीं, कभी योग का अभ्यास किया नहीं और ऐसे श्लोक पढ़ने में आया, अच्छा युवा हो जाते हैं, चलो हम करते हैं। ऐसा लगता नहीं। ऐसा लगता है जो अभ्यास में, जो योगाभ्यासी हैं, जो ध्यानी हैं, जो स्वर योगी हैं, उनके लिए यह श्लोक लिखा गया है। क्योंकि आप जो बच्चा अभी क ख ग पढ़ रहा है, ABC पढ़ रहा है, आप उसे किसी कविता की किताब दे दें, कोई कविता वो पढ़ नहीं पाएगा। शायद शब्द से शब्द को मिला ले तो भी उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। इस तरह से यह श्लोक, इसलिए मैं बोला योगियों के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा अभ्यास चाहिए आपको इसको करने के लिए। जब हम, मैंने जैसे कहा कि हम गुब्बारा फूलते हैं या शंख बजाते हैं, तो हमारे लंग्स से एक्स्ट्रा
प्रेशर बिल्डअप होता है हवा को बाहर छोड़ने के लिए ना, मुझे लगता है जो मेरी साइंस की जो नॉलेज है उसके अनुसार मैं जो आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि ऐसा क्यों कहा इस श्लोक में कि जो व्यक्ति वृद्ध है वो भी युवा हो जाएगा। उसके दो मुख्य कारण है, एक तो हम लंग्स को पूरा यूज करते हैं, जिस नाड़ी में आप श्वास को खींचा वो तो खुला है स्वर, लेकिन जो स्वर आपका बंद है उससे श्वास को बाहर छोड़ने के लिए शक्ति लगेगी। देखो बिना शक्ति के नहीं होगा, आप अभी कभी करके देखो, जो स्वर खुला है उसको बंद करके, जो स्वर बंद है या कम खुला है उससे श्वास को छोड़ने का प्रयास करें, शक्ति लगी ना, ताकत लगती है, नेचुरल नहीं है कम से कम, और आवाज भी आती है श्वास को छोड़ने की। जब भी श्वास को छोड़ने की आवाज आती है आप समझ लें आप लंग्स की एक्स्ट्रा पावर को यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पावर को यूज करने का मतलब क्या है, अगली श्वास जो होगी आपकी उसमें आप और ज्यादा ऑक्सीजन खींचेंगे, उस श्वास में और ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। जिस भी श्वास में आपकी आवाज आती है, आवाज आ गई ना, इसका मतलब जो अगली श्वास आने वाली है वो ज्यादा गहरी जाएगी, यह निश्चित है। तो हम एक श्वास की जगह बनाने के लिए प्रेशर यूज करते हैं, ऐसे ही इस अभ्यास में, इस प्राणायाम के अभ्यास में, जब आप श्वास को उस नाड़ी से छोड़ेंगे जो बंद है, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, तो आप लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ज्यादा आएगी, ऑक्सीजन का संचार शरीर में ज्यादा होगा। एक कारण हो गया हमारे पास वृद्ध को युवा करने का। दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो है हमारा हार्ट, इससे जो है हमारा हृदय, दिल जो है शक्तिशाली होगा। जितनी बार भी आप लंग्स को यूज करेंगे प्रेशर के साथ, वो शक्ति हमारा हार्ट लेता है। यही तो बेनिफिट होता है, क्योंकि हम आर्टरीज और वेन्स जब ब्लड सर्कुलेशन करती हैं तो हार्ट मजबूत होता है। यही लाभ होता है जब कोई सैर करता है ना, हार्ट पेशेंट को लोग डॉक्टर बोलते हैं चलने के लिए, सैर करो सैर करो सैर, इसलिए है वो सैर करो, क्योंकि जब खून दौड़ेगा शरीर में तो आर्टरीज और वेन्स ज्यादा काम करेंगी। इसीलिए वही काम हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, प्राण से करते हैं, इस साइंस को समझें। और तीसरा लाभ भी है इसका, वो स्वर्व ज्ञान का लाभ है, वो थोड़ा आध्यात्मिक लाभ है। अब आप जब प्रेशर के साथ एक उस स्वर से श्वास को छोड़ेंगे जो बंद है अभी, 3 बार 5 बार 10 बार 15 बार, कुछ समय बाद वो स्वर खुल जाएगा, और जिस स्वर से आप अभी तक श्वास खींच रहे थे वो बंद हो जाएगा, चाहे वो सूर्य स्वर हो चाहे वो चंद्र स्वर हो। अब देखो रोटेशन हो गई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। ऐसे ही जब 5 10 15 20 बार आप दूसरे स्वर का प्रयोग करेंगे तो वो भी खुल जाएगा, इस तरह से रोटेट होता रहेगा। तो आपका सूर्य स्वर भी जागृत हुआ, चंद्र स्वर भी जागृत हुआ, सूर्य स्वर के लाभ भी आपको मिले, चंद्र स्वर के लाभ भी आपको मिले। एक बीच में स्थिति वो भी होगी जब सुषुम्ना जागृत होगी। देखिए एक श्लोक में कितना ज्ञान का भंडार है, इसलिए मैं बोला कि ये योगियों की पुस्तक है, ये आम आदमियों की पुस्तक नहीं है, जो कहीं से भी कोई खोले उसको पढ़े और लाभ लेना शुरू कर दे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, ऐसी पुस्तक नहीं है, ये विद्वानों की पुस्तक है। इसलिए तो सर्वज्ञ ज्ञान को मैं बार बार कहता हूं कि जब आप शुरू से इसका अभ्यास करेंगे तो पकड़ में अच्छे से आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।